Students, today we will discuss the new topic in pharmacology and toxicology subject. The next topic is chemotherapy of cancer. जो हमारा कैंसर है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके कीमोथेरेपी में जो ड्रग्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, व्हाट इज कैंसर, व्हाट इज कीमोथेरेपी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर, कॉजेज कैंसर ऑफ कैंसर एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर एंड देन एंटी कैंसर जो उसके ट्रीटमेंट में हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं एंटी कैंसर. एंटी टैंक कैंसर जो ड्रग्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर में इंट्रोडक्शन क्या है. जैसे जो हमारा कंट्री है, वर्ल्ड है, होल वर्ल्ड में जो आजकल मेन जो रीजन है, मेन जो डेथ के जो रीजन है वो क्या है, कैंसर. हर एक जो पूरी जो कंट्रीज है, पूरी जो वर्ल्ड है, उसमें थर्ड जो पेशेंट होगा वो कैंसर से होगा, जो उसको कैंसर होगा, कैंसर से उसकी डेथ हो जाती है. जो हमारा कैंसर है वो इंडिया में तो इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा फैल रहा है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि जो हमारा हर एक जो पेशेंट्स है, मोस्टली जो एक दिन में जो है हमारे पास 40-50 जो पेशेंट्स हैं वो कैंसर के आते हैं, जो ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं. और जो हमारा कैंसर है, कैंसर में क्या है कि जो फर्स्ट फोर स्टेजेस होती हैं ये हमें इनिशियल स्टेज पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमें आइडेंटिफाई हो सके कि पेशेंट्स को कैंसर है. लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन कीमोथेरेपी. जैसे ये हमारा वर्ड है कीमो एंड कैंसर. फर्स्टली हम लोग डिस्क्राइब करेंगे व्हाट इज कीमोथेरेपी. जो कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है क्या? कीमोथेरेपी में क्या है कि एक ऐसी ड्रग, द ड्रग और केमिकल सब्सटेंस, कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस या ड्रग जिसको हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस और डिजीज जो है उनको, जो कॉज्ड होती है, जो हमारा इन्फेक्शन और डिजीज कॉज्ड होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उनके हम लोग ट्रीटमेंट में जो भी हम लोग ड्रग्स या केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो यूज करते हैं इन ह्यूमन बींग्स के जो है, जो ह्यूमन बींग्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो बॉडी में, जिससे कोई इन्फेक्शन या डिजीज हुई है उसको ट्रीट करने के लिए जो भी हम लोग ड्रग्स या फिर केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं उसको, इन्फेक्शन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसको जो है उनकी ग्रोथ को किल करने के लिए जो भी हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कीमोथेरेपी. अब क्या इसकी डेफिनेशन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं. कीमोथेरेपी की द ड्रग और केमिकल सब्सटेंस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ड्रग और केमिकल used for the treatment of infection or disease in
used for the infection or disease caused by microorganisms. हमारी बॉडी में जब हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो नॉर्मल
स्विम करते करते उसमें जो अबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, जब वो हमारे बॉडी में सेल्स हैं वो नॉर्मल फंक्शनिंग करते रहते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में क्रिएट नहीं होती। बट समटाइम्स जो फॉरन पार्टिकल हमारी बॉडी में चला जाता है, उसके कारण जो हमारी बॉडी में सेल्स है वो नॉर्मल से अबनॉर्मल में हो जाते हैं, अबनॉर्मल जो फंक्शनिंग क्रिएट कर लेते हैं, अबनॉर्मल फंक्शनिंग करने लग जाते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कैंसर। जो हमारे जो कैंसर है उसमें जो सिंगल सेल नहीं होता, जो एक सिंगल सेल से आगे जो सेल है वो फर्दर ग्रुप्स में बनते रहते हैं, क्लोनीज बनाते रहते हैं, जिसके कारण जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो सेल्स है वो अबनॉर्मल सेल्स बन जाते हैं, जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस क्रिएट करती हैं, और जो हमारे सेल्स हैं जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी फंक्शनिंग या जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी बॉडी में उनकी फंक्शनिंग को भी वो खराब कर देते हैं, उनकी फंक्शनिंग भी प्रॉपर नहीं होने देते, उसमें भी अबनॉर्मेलिटीज क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण जिसको हम लोग बोल देते हैं कैंसर। अब कैंसर क्या है, कैंसर हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एज रैपिड प्रोलिफरेशन, जो हमारे एक जो चेंजेस हो जाते हैं जो हमारे बॉडी में सेल्स की, एज रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ अबनॉर्मल बॉडी सेल्स, जो हमारे बॉडी में कैंसर, जो कैंसर है वो किसी भी एज में हमें हो सकता है, बट मेनली जो कैंसर है वो ओल्ड एज के जो पर्संस होते हैं उनमें ही होता है जो कैंसर है। अब है उसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे कैंसर के वो फोर हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फोर टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैंसर में। फर्स्ट वन जैसे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है क्लोनैलिटी। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारा क्लोनैलिटी। इसमें क्या है कि जो कैंसर सेल्स है, पहले हमारे बॉडी में जो स्टीम वन सेल, जो एक सेल होता है उससे आगे फर्दर
वो जो सेल्स हैं आगे सेल बनाते रहते हैं, जब एक सेल हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में चला जाता है उससे जो हमारे सेल में अबनॉर्मेलिटीज क्रिएट हो जाती हैं। अब उस सेल में जो अबनॉर्मेलिटीज क्रिएट हुई है जिस सेल में, वो आगे डिविजन करेगा, डिवाइड होगा, वो आगे ग्रोथ करेगा, उससे क्या फर्दर और ग्रुप्स में एक सेल से दो सेल बनेंगे, दो से तीन बन जाएंगे, तीन से चार सेल बन जाएंगे, चार से हमारे पांच सेल बने, ऐसे धीरे धीरे वो ग्रुप्स में हमारे सेल्स जो है वो बनते रहते हैं, उनकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज होती रहती है। वो क्या ग्रुप्स से फिर क्या वो क्लोनीज में क्रिएट हो जाते हैं, उनको लोग बोल देते हैं क्लोनैलिटी, कि जो सेल्स हैं हमारे बॉडी में जब सेल ग्रोथ करते हैं तो एक सेल से आगे वो दो सेल में, दो से तीन सेल में, तीन से फिर चार में, चार में फिर वो ग्रुप्स में चेंज हो जाते हैं, ग्रुप्स में चेंज होने के बाद वो क्लोनीज बनाने लग जाते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं फर्स्टली करैक्टरिस्टिक में क्या है क्लोनैलिटी, वो हमारे कहलाते हैं क्लोनैलिटी। सेकंड जो है वो है ऑटोनोमी। सेकंड हमारे पास जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी में क्या होता है कि जो हमारी ग्रोथ होती है, ग्रोथ इज नॉट रेगुलरली, जो ग्रोथ नहीं होती, जो हमारी सेल्स हैं वो रेगुलरली ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि जब वो ग्रोथ करते हैं कुछ जो सम सेल्स होते हैं वो क्या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या फिर उनको कह लो कि कुछ जो सेल्स होते हैं वो डिसरेगुलरिटी के कारण, अनकंट्रोल्ड होने के कारण वो क्या ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसलिए जो ऑटोनोमी है, ऑटोनोमी में क्या कहते हैं हम कि जो हमारे कैंसर सेल्स है उनकी जो ग्रोथ है वो रेगुलरली नहीं होती। अगर हम मान लें अगर हमारे जो कैंसर सेल्स हैं उनकी ग्रोथ रेगुलर होने लग जाए, अगर रेगुलरली उनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, जैसे एक दिन में एक सेल बना, दूसरे दिन में उस सेल ने क्या है 10 या 12 सेल और बना लिए, इससे तो जो पर्सन है जिसको कैंसर है वह तो जो 2 या 3 मंथ में उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए जो ऑटोनोमी है, ऑटोनोमी में क्या कहते हैं कि जो हमारे रेगुलर सेल्स हैं कैंसर के उनकी जो रेगुलरिटी है, जो ग्रोथ है वो रेगुलर नहीं होती, क्योंकि सम रीजंस के कारण जो है वो जो सेल्स बन रहे हैं उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है और उनकी जो है अमाउंट है, जो उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, वो धीरे धीरे होती है। इसलिए जो कैंसर है, कैंसर का हमें जो इनिशियली स्टेज है, स्टार्टिंग है, जब उस टाइम हमें कैंसर के बारे में कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि उसकी स्पीड है, जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। अगर एकदम से कैंसर बढ़ जाएगा सेकेंड या थर्ड या फोर्थ स्टेज में चला जाएगा तो फिर हमें उसका बहुत जल्दी पता लग जाता है, या फिर डेथ के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पर्सन के। ये धीरे धीरे जो है बॉडी में ग्रोथ करता है, जिसके कारण पर्सन है या पेशेंट है उसको कुछ भी फील नहीं होता, आइडेंटिफिकेशन नहीं होती कि उसे कोई अंदर उसकी इन्फेक्शन क्रिएट हो रही है। ये था हमारा सेकंड पॉइंट ऑटोनोमी। जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड हमारे पास है एनाफिलेसिया। जो हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है एनाप्लेसिया। अब जो एनाप्लेसिया, एनाप्लेसिया में क्या होता है, दिस इज नो डिफरेंशिएशन देयर, या फिर देयर इज नो डिफरेंशिएशन। इसमें क्या कहते हैं जो एनाप्लेसिया है कि इसमें कोई भी हमें जो नॉर्मल सेल है और अब नॉर्मल सेल्स है, एक तो नॉर्मल सेल है हमारे बॉडी में और दूसरे जिनमें जो फॉरेन पार्टिकल्स के कारण इन्फेक्शन हो गए उन अबनॉर्मल सेल में हमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं पता चलती हमारी बॉडी में। उसमें जो हमारी बॉडी है उसके जो इम्यून सिस्टम्स हैं उनको कुछ डिफरेंशिएशन पता नहीं चलती, वो स्कैन नहीं कर पाता कि ये जो सेल है ये अबनॉर्मल सेल है या फिर नॉर्मल सेल है। अगर जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो डिफरेंशिएशन कर पाता, उसमें डिफरेंस समझ पाता अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, तो हमारी बॉडी में जो अब नॉर्मल सेल्स है उनको वो किल करता, उनको वो जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून पावर है वो किल करने की ट्राई करती। जब हमारा इम्यून पावर है उस अब नॉर्मल सेल
स्कैन नहीं कर पाते, उसको भी नहीं पता चलता कि ये नॉर्मल सेल्स हैं। जब नॉर्मल सेल्स हैं तो उसके कारण क्या, अब नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हमारी बॉडी में इंक्रीज होती रहती है। अगर पता चल जाता इम्यून सिस्टम को कि ये हमारी बॉडी में अब नॉर्मल सेल्स हैं, कि ये हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है, इनको किल करना है, तो वो इम्यून सिस्टम पावर क्या अपनी कम्प्लीटली पावर लगाकर उन सेल को किल करती, जिससे जो कैंसर है वो उसके जो ग्रोथ है कैंसर सेल्स की वो इंक्रीज नहीं होती। बट जब इन दोनों में नॉर्मल सेल और नॉर्मल सेल में कोई डिफरेंशिएशन समझ नहीं आ रहा है, जब डिफरेंशिएशन जो है वो पावर को हमारी बॉडी को पता नहीं चल रहा है, जिसके कारण उनकी जो कैंसर सेल्स है उनकी ग्रोथ इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, फोर्थ जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेटास्टेसिस। अब ये मेटास्टेसिस में क्या है कि जो हमारे बॉडी में इम्यून जो हमारे बॉडी में अबनॉर्मल सेल्स है, जो अबनॉर्मल सेल्स है वो हमारे सिर्फ बॉडी में अब सेल्स को ही इफेक्ट नहीं करते, वो क्या करते हैं पहले सेल्स को इफेक्ट करेंगे, सेल्स की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको अबनॉर्मल करेंगे, देन उसके बाद क्या है अबनॉर्मल जो सेल्स है वो टिश्यूज को डैमेज करेंगे, टिश्यूज को डैमेज करने के बाद वो सेल्स क्या है आगे फर्दर जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है, हार्ट लंग्स है, किडनी है, हमारे बॉडी में ब्रेन्स है, यूरिथ्रा है, इनको इफेक्ट करते हैं कि उन बॉडी ऑर्गन बॉडी के ऑर्गन्स में से किसी भी ऑर्गन को, बॉडी की जो किसी भी एक एनी ऑर्गन को वो इफेक्ट करेंगे, जिसके कारण जो हमारा कैंसर वो स्पेसिफिक उस पार्ट में होने लगता है, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, या फिर जो हमारे पास अगर इन्फेक्शन है जो टिश्यूज है वो ज़्यादातर जो हमारे ब्रेन्स में इन्फेक्शन क्रिएट हो रही है तो हमें ब्रेन कैंसर हो सकता है, अगर ब्रेस्ट में हो रही है वो इन्फेक्शन तो हमें जैसे वो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ऐसे किसी हमारे सेल्स के बाहर वो टिश्यूज को इफेक्ट करेंगे, टिश्यूज हैं जो वो आगे जाकर क्या है ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, जिससे जो वो ऑर्गन है उस ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें अब नॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, वो प्रॉपर जो है डिसफंक्शनिंग क्रिएट करने लग जाता है ऑर्गन, तो उससे हम लोग फिर चेकअप करवाते हैं, फिर पेशेंट्स हैं जो भी पेशेंट है ह्यूमन बींग है वो चेकअप जब करवाते हैं तो वो हमें आइडेंटिफाई होता है कि इस पर्सन को कैंसर है। बट जब जिस टाइम वो चेक करवाने जाते हैं, जो टेस्ट करवाने जाते हैं कैंसर के, उस टाइम तक उस पेशेंट को या तो सेकंड या फिर जो थर्ड स्टेज तक वो पहुंच चुका होता है, जिसमें उसको जो पेशेंट है उसको जो ट्रीटमेंट है उसमें कीमो देना नेसेसरी है और उसको जो है वो एंटीबायोटिक्स देना नेसेसरी है। अगर वो जो पेशेंट्स है वो कोई भी ऐसे अपनी जो हेल्थ पे है वो केयर नहीं करता, उस पर जो उस बॉडी ऑर्गन की जो डिसफंक्शनिंग हो रही है उसके साइन सिम्टम्स को नहीं आइडेंटिफाई कर पाता, तो जो वो पर्सन है उसकी जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा जल्दी उसकी डेथ हो जाती है, उसको आगे जो चांसेस होते हैं लाइफ के वो बहुत कम रह जाते हैं। यही हमारे फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर, फर्स्ट वन इज कोरोनैरिटी, सेकंड ऑटोनोमी, थर्ड वन इज एनाफेलेक्सिया एंड फोर्थ लास्ट वन इज मेटास्टेसिया। इसमें क्या है हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेक्स्ट है हमारे जो है कॉजेस। अब ये नॉर्मली है, जैसे नॉर्मल हमें पता है कि हमारे जो कैंसर के कॉजेस क्या क्या है, फर्स्ट वन जैसे हमारा जो कॉजेस है कैंसर के causes of cancer, causes of
कैंसर में हमारे पास फर्स्ट वन है जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्मोकिंग करना अल्कोहल हो गया जो उसके कैंसर है, या फिर ये जो डाइट से रिलेटेड डाइट इरिटेशंस, हीट, ये हमारे सब कॉजेज हैं जिससे हमें जो बॉडी में कैंसर क्रिएट होता है। जो कैंसर है वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में जो नॉन कम्युनिकेबल है वो वन पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं होती, जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक दूसरे पर्सन को हो सकती है, हो जाती है, वो है हमारे कम्युनिकेबल। बट कैंसर जो है वो हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। जो हमारे कॉजेज ऑफ कैंसर है ये हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में कि कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिनसे कैंसर हो सकता है, कॉजेज ऑफ कैंसर, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर, ये हम लोग जो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।